हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। गाइज, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि अगर आपके भी फेसबुक अकाउंट में कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि जब भी आप अपना अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे चेक योर टेक्स्ट मैसेज का प्रॉब्लम आ रहा है, एंड यहाँ पे आपके अकाउंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम आ चुका है, एंड यहाँ पे जब भी आप कोड को सेंड कर रहे हैं अपने मोबाइल नंबर पर तो कोड आपको रिसीव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे भाई के पास अपना नंबर नहीं होता है, खो गया होता है, इसके वजह से भी OTP प्राप्त नहीं होता है, या फिर बहुत सारे लोग के पास नंबर होता है बट OTP रिसीव नहीं हो पा रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको करना क्या होगा, आपको कैसे अपना अकाउंट को ओपन करना होगा, सारा कुछ स्टेप आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी एंड तक देखना। ठीक है, तो यहां पे सबसे फर्स्ट में आपको करना क्या होगा, सबसे फर्स्ट में आपको जो अपना अकाउंट जो है किसी एक ब्राउजर में लॉग इन कर लेना होगा। ठीक है, एंड ब्राउजर में लॉग इन करने के बाद यहां से आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, एंड यहां पे कोड डालने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहां पे हमें दूसरे मेथड से अपना अकाउंट को ओपन करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे नीचे ट्राई अनदर वे का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना होगा। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा नीड अनदर ऑप्शन का। ठीक है, जस्ट नीचे आपको अकाउंट रिकवरी का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना होगा। देन इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आपको सबमिट ए फोटो ऑफ योर आईडी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना होगा। ठीक है, एंड जिसे आप सबमिट ए फोटो ऑफ योर आईडी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपके सामने कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेगा, देन यहाँ से आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ से फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप यहाँ पे आपको दोनों स्टेप को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे आगे का प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे आपको नीचे नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ आपको जो है अपना ईमेल एड्रेस डाल देना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको वो ईमेल एड्रेस डालना होगा जो कि आपके फोन में लॉगिन होना चाहिए। देन यहाँ पे OTP आएगा आपके ईमेल पर, वही OTP सेम यहाँ पे कॉपी करके डाल देना होगा। देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, एंड जिसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, टेक के वीडियो सेल्फी। एंड यहाँ पे आपके अकाउंट में जो है अदर ऑप्शन भी आ सकता है, अपलोड योर आईडी का भी ऑप्शन आ सकता है। यहाँ पे इस अकाउंट में टेक के वीडियो सेल्फी का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एंड फिर से नेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके अकाउंट में अपलोड योर आईडी का ऑप्शन आ रहा है तो वहाँ पे आपको जो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास होगा वो आपको अपलोड करना होगा सिलेक्ट करके। ठीक है, बट यहाँ पे वीडियो सेल्फी का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अलाउ कर देते हैं जो भी परमिशन यहाँ पे मांगता है। देन यहाँ पे आपका फोन का फ्रंट कैमरा जो ऑन हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको अपना फेस को पूरा कैप्चर करवाना है। ठीक है, यहाँ पे जो तीर दिख रहा है आपको, ये तीर जिस तरफ यहाँ पे जा रहा है उसी तरफ आपको अपना फेस करना है, एंड यहाँ पे अच्छे तरीके से आपका जो फेस है इसमें आ जाना चाहिए, यहाँ पे वीडियो जो है रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ देर बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका वीडियो सेल्फी कंप्लीट हो जाएगा। देन यहाँ पे रीटेक वीडियो सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे अगर आपका सब वीडियो जो अच्छे से नहीं आया तो यहाँ पे आपको रीटेक करना होगा। अगर आ गया अच्छे से आपने जो है कैप्चर कर लिया तो यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो सेल्फी जो है रिव्यू में चला जाएगा, एंड यहाँ पे 24 से 48 घंटे बाद यहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा आपके ईमेल पर। एंड यहाँ पे अगर आप अपने इस फेसबुक अकाउंट में अपना फोटोज वगैरह, वीडियोज वगैरह, रील वगैरह अपलोड किया होगा तो यहाँ पे आपका जो फेसबुक है आपका फोटो को मैच करेगा, तो यहाँ पे आपका वीडियो सेल्फी एंड आपका फोटो जो है मैच होगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको 24 से 48 घंटे बाद मेल आ जाएगा, एंड वहाँ पे आपको जो एक्सेस लिंक मिल जाएगा उस पर क्लिक करके आप जो है पासवर्ड वगैरह चेंज करके आसानी से अपना अकाउंट में लॉग इन हो पाएंगे, एंड यहाँ पे आप फिर से अपना अकाउंट को यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो गाइस यही था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आपको हेल्पफुल एंड जेन्युइन कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।